मेडिसिंस, तीन ही फास्टिडियस रेमेडी। अब इनकी फास्टिडियस नेचर के बीच में अंदर में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा आर्सेनिक वाला है, कौन सा नर्स वाला है और कौन सा कार्सिनोजेनिक? देखो फास्टिडियसनेस में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, फास्टिडियसनेस एक अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उसके साथ पेशेंट का या उस ड्रग का एक अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, लाइक उसकी जनरलिटीज, अदर फीचर्स। अब फाइनल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अगर बाकी चीज़ों में डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा, अगर वो मिल रहा है तो उसकी तरफ जाएगा, जो टोटलिटी मैच करेगा, नहीं मिल रहा है तो आप देखोगे आर्सेनिक के अंदर जो प्रीडोमिनेंस होता है फास्टिडियसनेस के बैकग्राउंड में, दैट इज ए फियर ऑफ इलनेस, एक्सट्रीम ऑफ फियर, दैट इज बीइंग गॉट इन्फेक्टेड। उस इन्फेक्शन से बचने के लिए कि किसी तरह का कोई जर्म, कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, किसी का कुछ एनी शॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन वो ना आ जाए, सो थिंग्स विल बी परफेक्ट, थिंग्स विल बी क्लीन। बाकी फीचर भी होता है, ऑर्डर भी है, ये भी है, बट अबव ऑल जो थोड़ा सा एक प्रीडोमिनेंस होता है ना, दैट इज मोर ऑफ दिस फीचर ऑफ फियर ऑफ बीइंग गेट इन्फेक्टेड, ये इसके कोर में ज्यादा मिलेगा। सारी चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बाकी चीजें भी है, बट कौन सा पलरा थोड़ा सा भारी, कौन सा पलरा थोड़ा सा नीचा, तो ये पलरा यहां थोड़ा सा भारी होता है। कार्सिनोसिन में आपको एक आइडियोलॉजी मिलता है बहुत प्रोमिनेंट, लाइफ की टीचिंग है कि ये परफेक्ट होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सो उसमें एडजस्टमेंट नहीं है कुछ। तो ये जो टीचिंग ऑफ परफेक्शनिस्ट, टीचिंग ऑफ आइडियलिज्म, फुलफिलमेंट ऑफ आइडियलिज्म, दैट परफेक्शनिस्ट इज स्लाइटली अबव इन केस ऑफ कार्सिनोसिन। सब में सब चीज मिलता है, सब पैरामीटर्स का जो एक फिट है, वही चीजों को अपने तरीके से जो हम कर रहे हैं, जो काम होना चाहिए, मेरे पसंद का होना चाहिए, जो एक आर्डेंट रूब्रिक नक्स भूमिका का है, इसका एक इम्प्लीकेशन, ये इसको परफेक्शंस की तरफ ले जाता है। हमने जो तय कर लिया ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, अब इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इसको हम अचीव करेंगे एनी हाउ, तो इसके अंदर ये प्रीडोमिनेंस होता है कि मेरे नजरिए से इस चीज का फुलफिलमेंट परफेक्ट होना चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग पैरेलल है, इन्फेक्शन है, ऑर्डर में है, यहां पे भी है, इन चीजों को ये तीनों के अंदर मिलता है। हम जस्ट सपोज कहते हैं कि आप एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, किसी तीन इंडिविजुअल का आप सिर्फ आंख का फोटो ले लो, अब तुम एनाटोमिकली और बाकी चीजों को बताओ इसमें क्या है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन क्या फिर भी तीनों एक है? बट स्टिल आप अगर एनाटोमी पकड़ के देखोगे तो क्या है, सब है, बट कुछ तो है जो इसका ये है और इसका ये है। तो सिमिलरली ये फास्टिडियस की बात करें तो तीनों में, इसके अलावा भी है, ग्रेफाइटिस में भी है, सब मिलेगा, आंख के बाकी सारे पार्ट सभी के हैं, वो सभी में है, बट एक चीज है जो इसको ए बना रहा है, इसको बी बना रहा है, इसको ये बना रहा है, दैट द फाइनल डिफरेंस। और ये एक फाइनल अचीवमेंट है जो इन तीनों में थोड़ा सा अप डाउन करके इस तीनों को डिफरेंशिएट करता है, एंड दैट इज वन ऑफ द कोर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस रूब्रिक जो आपने पूछा इस तीनों के बारे में।